ये है हमारा चाय, नमकीन और समोसा, और ये है राजा। इसकी चाय पी के हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। सर सोचा है कि YouTube रिवाइंड बनाया जाए हमारे। अच्छा, अब क्या कहना है, बनाएं? बनाते हैं। 2018 जा रहा है तो हमारी 2018 की शुरुआत की जितनी स्टार्टिंग की वीडियोस है हमें उस पे बिल्कुल विचार करना चाहिए। हमने कितनी मेहनत करी है इसके पीछे, वो पब्लिक को बताना चाहिए। विकास सर आपका कहना है, बनाएं YouTube रिवाइंड? हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मयंक, इनका नाम है विकास कुमार, इनका नाम है जावेद। हाँ, तो गाइस ईयर का आज एंड आने वाला है, December 31st है, तो हमने सोचा क्यों ना एक रिवाइंड लेते हैं। जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसके पीछे की जो कहानियां हैं वो आपको बताते हैं आज। उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है हम लोगों की, हम तीनों की, और हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी, उन्होंने कितनी मेहनत करके वो वीडियो बनाई है सक्सेसफुल करने के लिए। हम उस पर कुछ ध्यान दिलाते हैं आपका। चलिए, मैं तो इस साल की पहली वीडियो थी न्यू ईयर्स प्लानिंग। ये वीडियो आई थी December 31st, 2017 को, और इसमें हमें मिले थे 1125 व्यूज। 1125 व्यूज उस समय हमारे सब्सक्राइबर थे 598। 598 सब्सक्राइबर थे हमारे उस। हाँ, चलिए पूछते हैं उस वीडियो के बारे में पहले विकास सर से। सर क्या बोलना है आपका न्यू ईयर प्लानिंग वीडियो के बारे में? आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा था वो वीडियो। और जहाँ तक कि हमें याद था कि हमारे पार्टनर में हमारी एक कोलिक स्वागता थी हमारे साथ में, जो कि वो आउट ऑफ दिल्ली, और किस तरह से हम लोगों ने वो वीडियो को बनाया था, काफी लेट भी हो गए थे। और उस वीडियो में जहां तक हमें याद है कि हमारे एक फ्रेंड्स दीपक, जिसको एक चीज के लिए 10 बार रिमाइंड कराना पड़ता वो तो अभी भी है, एक वर्ड के लिए उसे 10 बार डायलॉग भी था उसमें, जिसमें वो अटक जा रहा था, वही शायरी मार रहा था, शायरी के लिए उसे 10 बार रिपीट करवाना पड़ रहा था। तो गाइस वो शायरी थी ये वाली, खुशी की राह में गम मिले तो क्या करें, वफा की राह में बेवफा मिले तो क्या करें, कैसे बचाएं जिंदगी को दगाबाजों से, कोई दिल लगा दे जाए दगा तो क्या करें। तो ये शायरी के लिए इतने रिटेक लिए, इतने रिटेक लिए, क्या बताऊं मैं आपको, इरिटेट हो गए थे लास्ट में। बोला कंफ्यूज हो गया कि मैं डायलॉग बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, और काफी परेशान हुए थे। बहुत अच्छा रहा था वीडियो। चलिए अब आते हैं दूसरी वीडियो पे, दिल्ली 6 की शादी। ये वीडियो आई थी January 18 को, इसमें हमें मिले थे 1704 व्यूज। तो पूछते हैं जावेद सर से कि इस वीडियो की कहानी क्या है। अचानक ही हमारे एक फ्रेंड का कॉल आया और हमें इन्विटेशन मिला उनकी सिस्टर की शादी में जाने का। हाँ। और हम लोगों ने अचानक ही एक प्लान करा, मयंक और हम रात के टाइम ठंड में निकले, वहाँ ऑटो करा, बाइक से मैं पहुंचा, मयंक ऑटो से पहुंचा, दीपक भी पहुंचा, दीपक अपने भांजे को लेके पहुंचा। और हमें अचानक ही जैसे ही हमने गेट पे एंट्री करना चाहा, उस टाइम हमें अचानक ही एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक वीडियोस बनाए इस शादी के ऊपर। तो हमने उस पे उस वीडियो को बनाना स्टार्ट करा। एक्चुअली दोस्तों कोई कहानी हमारे पास थी नहीं उस दिन, बट हुआ क्या, हम लोग रात को जैसे पहुंचे तो पता चला कि और लोग काफी लेट से आने वाले हैं, तो हमारे पास करीब 2-3 घंटे थे। तो हमने वहीं पे स्क्रिप्ट लिखा, वहीं पे जो शादी वाला सीन आपने देखा वो सीन हमने वहीं पे मतलब शूट कर लिया, और जो उसके बाद का सीन थप्पड़ वाला सीन था वो उसके बाद शूट हुआ, अगले दिन शूट हुआ। सो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग मतलब इतने क्रिएटिव हो गए वीडियो बनाने में कि जहां मौका मिलता है वहां पर कैमरा खोल देते हैं, एक्टिंग स्टार्ट। उसके बाद हमारी वीडियो आई थी मिनिस्टर रिपब्लिक डे गिफ्ट। ये वीडियो आई थी January 28 को, 2 दिन हम लेट हो गए थे, रिपब्लिक डे की स्पेशल वीडियो थी तो लेट हो गए थे। इसमें हम मिले 614 व्यूज। वो वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि उस टाइम हमारे भारतीय राजनीति में बहुत हलचल हो रही थी, सबके अलग अलग तरीके के बयान आ रहे थे, सबका एक अलग अंदाज था, सारे पॉलिटिकल हमारे नेता उसका, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम उस पर एक वीडियो बनाए, उनके तरीके से वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, और उनका क्या स्टाइल है। उस पर हम लोगों ने काम करा, और हमारे राहुल गांधी और हमारे नरेंद्र मोदी असर बने थे, कुमार विश्वास, और इसके लिए हम लोग गए थे राष्ट्रपति भवन। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे शूटिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ, बट हमने फिर भी रिस्क लिया और राष्ट्रपति भवन गए। हो सकता था कि हमें जेल भी हो सकती थी, मगर हमने कोशिश करी कि इस वीडियो को कम्प्लीट करना है तो कम्प्लीट किया हमने। मतलब शूट करना बहुत मुश्किल था, कई बार हमें रोका भी गया, बट हम भी जो चाहते हैं वो करते हैं भाई, यही तो स्टाइल है हम लोगों का बनाने का। उसके बाद भी काफी वीडियो आती रही, उसके बाद वीडियो आई नसीब हो खोटा तो मिलेगा लोटा, उसके बाद एक वीडियो आई हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन होली, होली आई थी। तो होली पे हमारा क्या था कि हमारी जो एक्ट्रेस थी उस वीडियो में वो काफी लेट हो गई थी, तो हमारा प्लान कुछ हुआ कि शूटिंग नहीं हो पाएगी शायद।
फिर हमने प्रैंक करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या कि प्रैंक कर रहे थे, जो रिक्शा वाला आ रहा उसको परेशान कर रहे, मतलब परेशान कर रहे लोग आपस में ही एंजॉय करने लगे थे, एक दूसरे के ऊपर बैलून मार रहे थे पानी से भरा हुआ, परेशान कर रहे थे लोगों को। तो हमने सोचा क्यों ना इस सीन को ही एक वीडियो में हम कन्वर्ट करके हम आपको अच्छी वीडियो दिखा सके। तो हमने वो उस पर काम करना चालू करा। हाँ, उसके बाद जो हमारी एक्ट्रेस आ गई, उसके बाद हमने वो शूट भी कर लिया एंड फाइनली आपको वीडियो मिल गई होली की। उसके बाद हमारी वीडियो आई जैसी करनी वैसी भरनी, ये वीडियो आई थी आपकी मार्च 19, 2018 को, और इसमें व्यूज मिले थे 1454 व्यूज। तो पूछते हैं विकास सर से इस वीडियो के बारे में। अच्छा था वो वीडियो भी, अच्छा था। उसमें हमारे कोलीग आकांक्षा थी जिससे फर्स्ट मुलाकात हुआ था उसी वीडियो में, और उसके मतलब उस टाइम भी मैं थोड़ा सा बिजी था, इन लोगों ने शूटिंग करता रहा और मैं जल्दी जल्दी अपना पार्ट खत्म करके फिर वहां से निकल गया था, बट अच्छा था वो भी, अच्छा वीडियो भी काफी अच्छी रही थी गाइस। अच्छा, उसका हमने कोलैबोरेशन किया था हम तीन वेले टीम के साथ, हम तीन वेले चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा, काफी अच्छी टीम है। हमने उसका वीडियो बनाई थी चोर मचाए शोर पार्ट टू। उससे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट जो आया था चोर मचाए शोर का, वो आया था सितंबर 21, 2017 को, काफी अच्छे व्यूज भी आए थे उसमें। इस पार्ट टू में हमें ये रिलीज हुई थी मार्च 31, 2018 को, और इसमें व्यूज मिले थे 1301। इस वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया। चोर मचाए शोर जो वीडियो हम बनाने जा रहे थे तो उसके लिए हमें लोकेशन नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी, काफी भीड़ भाड़ थी। तो हमने मयंक ने डिसाइड करा कि क्यों ना लक्ष्मीनगर के पास एक पार्क है जहाँ पे काफी ज्यादा शांति है, वहां पे हम शूट करा जाए। तो हम लोग वहां पहुंचे तो उसको बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, मगर वीडियो बहुत अच्छी बनी। हाँ। और लोगों को बहुत पसंद आई और उसके व्यूज भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारी एक वीडियो आई भाई भाई का प्यार, ये वीडियो आई थी अप्रैल 15, 2018 को, इसमें हमें व्यूज मिले थे 1366 व्यूज। तो हम लोग इसी तरीके से लोकेशन के लिए हम गए थे, इधर पार्क में गए थे, मगर वहाँ के एक भैया थे गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पार्कों में आजकल, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो सोच रहे थे कि ये लोग भी ऐसे कुछ करना है, तो फिर हम लोगों को भगा रहे थे। उन्होंने काफी बारी हमें भगाया, मगर हमने बहुत रिक्वेस्ट कर करके उनको मना ही लिया और उस वीडियो को हमने वहाँ शूट करा। और जो दीपक ने जो एक्टिंग करी वो बहुत ही गजब की एक्टिंग थी, इतना अच्छा उसने रोया मैं क्या बताऊँ, आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारी वीडियो आई थी स्कूल के दिन, स्कूल्स लाइफ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके लिए हम लोग गए थे बुराड़ी। बुराड़ी दिल्ली में ही है, बट उसके लिए हमें बहुत लंबा सफर करना पड़ा, काफी लंबा सफर तय करना पड़ा, लड़कियों को अपनी एक्ट्रेस को लेके जाना पड़ा जिसमें आकांक्षा थी और निशु हमारी एक्टर है वो भी थी, तो काफी मुश्किल रही बट शूटिंग काफी अच्छी हुई और वीडियो काफी अच्छी बनी थी। ये वीडियो आई थी मई 5, 2018 को, इसमें व्यूज आए थे 1607। तो आप लोगों ने इस वीडियो काफी पसंद किया। इसके बाद हमारी एक वीडियो आई थी माँ का प्यार मदर्स डे स्पेशल, 13 मई को ये वीडियो आई थी हमारी, इसमें हमें व्यूज मिले थे 787। इसमें जो विकास सर मेरे बड़े भाई बने थे और हम दोनों थे मतलब लालची बेटे, हमने देखा हमारी माँ के पास पैसे आए तो हम लोग फटाफट चले गए। तो पूछते हैं विकास सर से वीडियो के बारे में। छुट्टी का दिन था और उस दिन मतलब ऑफिस सारे ऑफ थे, छुट्टी का दिन था, अचानक एक दिन पहले स्क्रिप्ट आया हमारे पास और हमने प्लान बनाया कि हमें करना है। अच्छा था वो वीडियो, छुट्टी का दिन था, हम लोगों ने वहाँ एक तो शूटिंग दूसरे में एंजॉय, हाँ एंजॉय किया, लेकिन बताएंगे नहीं कैसे एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया हमने उस दिन, बहुत के अच्छे किया और ये नहीं बता सकते हमने एंजॉय में क्या किया, वो थोड़ा मतलब सीक्रेट है। और उसमें जो हमारे एक्टर्स माँ का प्यार जो मम्मी है वो मयंकी, हाँ वो रियल मदर है, रियल मम्मी है और वो की रियल मदर है, और बहुत अच्छा लगा था शूटिंग करने, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी वीडियो आई थी विकास भैया का घर, एक हमारी सीरीज है बिहारी बाबू, उसकी एपिसोड 2 था, उसकी भी एक कहानी है उसके बारे में बताएंगे विकास। हमने विकास भैया को एक रिच भैया बना दिया था और हमारे मयंक जो कि एक गरीब भैया गांव के भैया थे उन्होंने अपना रोल प्ले करा। और विकास इसके बारे में बड़ा अलग था कि हमने वो जगह डिसाइड किया, जगह को किराए पर लेकर के पूरी नाइट हम लोग वहाँ पे स्टे करके मतलब काफी एंजॉय किया, मतलब काफी एंजॉय किया, मतलब सोचने वाली बात है कि रात में भी हम लोग 12 बजे 1 बजे तक शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद आई थी बिहारी बाबू की इंसानियत। उसके बाद हमारी जस्ट वीडियो आई इंटरव्यू, ये एक कंपटीशन था, ये आसुस एक लैपटॉप है उसके बारे में कंपटीशन आया था, उसमें हमने वो किया एक्ट किया एंड जून 15 को वीडियो आई थी, इसमें हमें व्यूज मिले थे 1169। इसके बारे में बताएंगे हमको जावेद सर। जैसे कि मयंक ने बताया इंटरव्यू एक हमारा एक बहुत अच्छी एक वीडियो थी जो हमने यूट्यूब पे अपलोड करा, उसके लिए हमने बहुत ही मेहनत करी। उसमें हमारे जो दीपक एक्टर और हमारे बबलू जो कि बहुत ही फनी और बहुत ही कॉमेडी हिट एक्टर थे उस वीडियो के, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी तो मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिएगा। और उस आशुष कंपनी के लिए हमने वो वीडियो तैयार करी थी ताकि उन्हें
लगे कि हाँ भाई ये वीडियो इन लोगों ने इस मयंक केशु फिल्म ने बनाई है और हमें अच्छे व्यूज उसमें भी मिले। हाँ, उसके बाद हमारी वीडियो आई फादर्स डे स्पेशल। इस वीडियो के लिए मतलब आप लोग मानेंगे नहीं, इतना मैंने सर्च किया तब जाके मुझे एक सख्त राउंड नाम से फेमस है उनकी रियल कहानी पे वीडियो है, और इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम जो है मतलब बाल सफेद करे थे अपने पाउडर लगा के, एंड ये वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे दिल से मेरी ये वीडियो बहुत करीब है मेरे दिल के और बहुत मजा आया एक्ट करने में। और इस समय जावेद सर का मतलब रोजा चल रहा था और मतलब बहुत कंडीशन आप जानते हैं उस समय बहुत कंडीशन वो होती है, टफ होती है, बट इन्होंने उसमें जो रिजल्ट दिखाते हैं उनका रोल निभाया था, एंड ये वीडियो आप लोग देखना बहुत मजा आएगा आपको, ये वीडियो देखना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसके वीडियो इसके बाद हमारी एक वीडियो आई थी मॉल स्टेशन, ये वीडियो आई थी जुलाई 22, 2018 को, 920 व्यूज मिले थे इसमें, एंड ये वीडियो हमारी खुद की एक्ट्रेस है कीर्ति मिश्रा, उसके रियल कहानी पे आधारित है। इसके वीडियो के बारे में बताएंगे हमको पहले विकास सर। अचानक मयंक को एक इसके कॉलिग से बात हुई, उसने अपने खुद का एक्सपीरियंस अपना बताया कि हमारे साथ ऐसे हुआ था। मयंक ने हम लोगों से शेयर किया कि सर इस पे हमें एक वीडियो बनानी चाहिए, ये रियल एक्टिंग रियल है, ये हर जगह ऐसी चीज़ जो वो वीडियो बनाया, ये वीडियो रियल की वीडियो, रियल उनके साथ ऐसा हुआ हुआ है और रियल में हमने उसी चीज के ऊपर बनाया। हाँ सर, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? मेरा ये कहना है कि जैसे इंसिडेंट आजकल मेट्रो और बसों में होते हैं, आजकल आप लड़कियां जाती हैं बसों में निकलती है, मेट्रो स्टेशन पे निकलती है, तो बहुत से लड़के उनको फॉलो करते हैं, उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, उस चीजों पर उस इंसिडेंट पे आधारित ये वीडियो है, आप लोग जरूर देखना और वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको। एंड दोस्तों मेट्रो में शूट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेट्रो में शूट करना वाला होता ही नहीं। और आप सोचो मेट्रो के अंदर शूट करना और मेट्रो के अंदर ब्लड निकालना, फाइन भी लग गया था उस दिन हमें, मेट्रो वालों ने पकड़ लिया था सिक्योरिटी ने और हमसे फाइन भी लिया, मगर हमने फाइन दिया मगर वीडियो कम्प्लीट करी। हाँ, वीडियो आप लोग तक पहुंच गई यार, वीडियो बनाने के लिए क्या करना होता है वो पूछो, कि मतलब मेट्रो के अंदर मार खाना और ब्लड निकालना। इसके बाद हमारी एक वीडियो है रक्षाबंधन अ नोट ऑफ लव, ये वीडियो आई थी अगस्त 24 को 2018 में, ऐसे में हमें मिले हैं 15-16 व्यूज। गाइस वीडियो की कहानी ये है कि इस वीडियो को लिखा जो स्क्रिप्ट थी इसकी वो लिखा था शालू, मेरी फ्रेंड है, उसने लिखा था स्क्रिप्ट को, एंड दीपक ने लिखा था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था। एंड हुआ क्या कि मुझे इसमें चाहिए थे एक बहन के रोल के लिए एक लड़की चाहिए थी, एंड जितने भी कलीग्स थे मेरे सारे बिजी थे, एंड रक्षाबंधन से दो दिन पहले ऐसा हुआ कि मुझे लगा शायद ये शूट नहीं कर पाऊंगा मैं और ये वीडियो नहीं बन पाएगी। मयंक हिम्मत हार चुका था मगर मयंक ने पूरी रात भर कोशिश करी और लास्ट में जाके फाइनली इसको एक इनके करीबी कोलिग्स मिले और इसने वो वीडियो तैयार करी, उसके बारे में बताऊं मैं। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद ये वीडियो नहीं बन पाती, एंड सिर्फ उनकी वजह से ये वीडियो बनी भी और काफी हिट हुई, एंड आप लोगों ने काफी इस वीडियो को सराहा, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारी एक वीडियो आई टीचर द गाइडिंग लाइट 5 सितंबर को आई थी, ये वीडियो काफी अच्छी रही, इसमें एक माँ और बेटे की कहानी दिखाई गई है, काफी पसंद किया आप लोगों ने, ये वीडियो बहुत अच्छी थी। उसके बाद एक वीडियो आई गणेश चतुर्थी स्पेशल, काफी मैजिकल वीडियो थी गणेश चतुर्थी, ये हमारी वीडियो आई थी सितंबर 17 को, इसमें हमें मिले हैं बहुत कम व्यूज मिले, 367 व्यूज मिले दिखा ली इस वीडियो में, इसमें हमने काफी मैजिकल इफेक्ट दिखाए थे, इसमें जो भगवान थे गणेश भगवान वो कोई और नहीं विकास सर थे, तो इसे पूछते हैं क्या कहानी थी, क्या कहानी थी इस वीडियो को शूट करने में। हमें याद है कि जब हमने मयंक उसको दीपक को जो रिजल्ट के बारे में बताया जाता है तो उस टाइम बड़ा अजीब सा लग रहा था, दीपक वो मिठाई के डब्बा लेके भाग भाग के जा रहा था हर जगह, तो मतलब लोग ने मिठाई खाने से मना कर रहे थे, मिठाई नहीं ले रहे थे लोग, उनको अजीब सा फील हो, लोग सोच रहे कि हमने मिठाई कुछ मिला रखा है, तो लोग कह रहे हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे, लोग मिठाई लेने से मना कर रहे थे। पहली स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, 5 मिठाई हमने स्पॉन्सर किया था और उसको लोग खाने से मना कर रहे हैं, बट ये शूट काफी अच्छा होता, वीडियो देखना पसंद आएगी आपको, पसंद आएगी बहुत। इसके बाद हमारी एक वीडियो आई थी प्यार का नशा, ये वीडियो भी काफी अच्छी रही। इसके बाद एक वीडियो आई मेरी दोस्ती, दोस्ती वीडियो की कहानी दोस्तों ये है कि इसमें हमको पुलिस ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, मैं और मेरा दोस्त दीपक जो हम लोग ट्रेन के अंदर गए शूट करने के लिए, हमको पुलिस ने बुलाया, बोला क्या कर रहे हो, हम लोग काफी डर गए मतलब क्या करें, फिर किसी तरीके से हम लोग बाहर निकले और फिर भी शूट किया और वीडियो बन गई। ये वीडियो आई थी अक्टूबर 19, 2018 को, इसमें व्यूज मिले थे हमको 819 व्यूज और ये वीडियो भी काफी अच्छी रही। इसके बाद हमारी वीडियो आई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पार्ट 2, उसके बाद आई दिवाली गिफ्ट डीएमआरसी पिंक लाइन। दोस्तों ये वीडियो ऐसी इसकी अलग कहानी है, मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की थी एंड मेरे को काफी शौक था व्लॉगिंग करने का, तो ये पहली ऐसी वीडियो है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी इस वीडियो से, इसके लिए यही वीडियो है जहां से मयंक एक ब्लॉगर एक बढ़िया सक्सेसफुल ब्लॉगर बन गया है और अच्छी अच्छी ब्लॉग आपको हर हफ्ते हर वीक दिखाता है वो, व्लॉगिंग का चैनल अलग कर दिया है, वो चैनल दूसरा है, तो आप लोग उसको भी प्लीज उस पर जाकर सब्सक्राइब करना।
मतलब व्लॉगिंग का अपना ही मजा है उसमें क्या होता है टाइम कम लगता है और बनते रियलिटी होती है, रियलिटी होती है पर नहीं जो रियलिटी आपके सामने दिखेगा वही आपको देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद हमारी वीडियो आई दिवाली आई रे नवंबर 7 को आई थी ये वाली वीडियो और इसमें हमको व्यूज भी काफी कम मिले 452 व्यूज मिले खाली। व्यूज इसलिए मिले क्योंकि व्हाट्सएप ने भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि हाँ एक वीडियो सिर्फ 5% तक ही हम सेंड कर सकते हैं। कुछ रीजन ये भी थे जिस वजह से हमारी वीडियो आगे शेयर नहीं हो पाई मगर फिर भी हमने कोशिश पूरी करी उसको। हाँ इसके बाद एक वीडियो आई थी हमारे बच्चे मन के सच्चे ये वीडियो आई थी नवंबर 14 को चिल्ड्रन डे स्पेशल वीडियो थी इसमें व्यूज मिले 571। इसके जस्ट बाद वीडियो आई टू स्टेट्स लव स्टोरी हमारी एक फ्रेंड है स्वक्ता दास वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आई थी इतनी दूर से वो सफर करके वो भी हमारे पास आई वीडियो बनाने के लिए खासतौर से हम लोगों से मिलने के लिए। उसके जस्ट बाद हमने अभी एक गाना आया नया आंख मारे और लड़की आंख मारे उस पर हमने डांस कवर ही बना दिया ये हमारा फर्स्ट वीडियो सॉन्ग था। तो हमारे इस सॉन्ग की कहानी ये है कि ये अभी नया एक मूवी आई है सिम्बा 28 को रिलीज हुई है आप लोग जाओ थिएटर में देखिए मूवी तो बहुत अच्छी मूवी है एंड जो हमारा वीडियो सॉन्ग उसको जरूर देखें जिसमें मयंक ने इतना अच्छा डांस करा मयंक और दीपक ने उस सॉन्ग पे तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। एंड दोस्तों अब कहानी ऐसी है कि हमारी वीडियो के जो जो पार्ट्स हैं मैं सबके नाम लूंगा स्टार्ट करता हूँ अन्नपूर्णा से अन्नपूर्णा शुक्ला अंजलि ठाकुर जावेद अख्तर विकास कुमार नीरज भाटिया दीपक कुमार बबलू कुमार ऐना मिश्रा शालू विपी मल्होत्रा प्रियांशु नवानी निशु चौधरी आकांक्षा चौधरी गायत्री खन्ना अंश बैरी दृश्य बिधूरी शानू स्वक्ता दास कीर्ति मिश्रा रिया प्रियंका राकेश आकाश तिवारी हम तीन वेल्ले की टीम जो आई थी हमारे साथ हमने कोलैब किया था वो। एंड अगर दोस्तों कोई भी नाम रह जाता है तो मैं माफी चाहता हूँ मुझे सारे नाम याद नहीं आ रहे बट सिंगल एक एक जो पर्सन जिन्होंने हमारा साथ दिया है अभी तक उन सबका दिल से थैंक यू बोलता हूँ मैं। एंड 2018 बहुत अच्छा रहा और मैं पूरी कोशिश करूंगा 2019 जो आ रहा है उसमें आपको एक से एक बढ़िया वीडियोस दूं। दो तीन हमने कॉन्सेप्ट लिख भी लिए हैं गाइज एंड वो कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक है मतलब आपको क्या बताऊं एंड से मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट इस वीक से स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली होता है कि हम लोग सब वर्किंग पर्सन हैं वीकेंड में वीडियोस बनाते हैं वीकेंड्स में हमें टाइम मिलता है हम उस पर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से बस यही हमारी ये रहेगी रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे सब्सक्राइबर काफी ज्यादा बढ़े कम से कम लाइक तो जरूर करना लाइक जरूर करना एंड ऐसे अपना प्यारा बनाए रखें और देखते रहें मयंक केशु फिल्म्स। बाय बाय गाइस एंड विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस हैप्पी न्यू ईयर बाय बाय।